हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप सभी। तो सुबह का टाइम है और सारे काम वगैरह से फ्री हो गई थी, तो मेरे पास ना एक कटोरी मलाई जमा हो गई थी फ्रिज में। तो मैंने सोचा कि चलो इसका मैं घी निकाल के रख देती हूँ, शिवरात्रि आ रही है ना वैसे भी, तो ये मतलब अच्छा वाला घी बन के तैयार हो जाएगा घर का। तो बस मैंने यहाँ पर थोड़ा सा घी बनाया है और मैंने ना इसको डायरेक्टली पकाया है। डायरेक्टली पकाते तो आपको ना मावा भी मिल जाता है और घी भी मिल जाता है, तो वैसे तो बहुत कम क्वान्टिटी में है, लेकिन ज़्यादा भी मलाई हो जाती है ना तो आप इस तरह से मावा निकाल सकते हो। तो गाइज ये देखिए, ये है खोया और ये है घी। आप इसको ऐसे भी खा सकते हैं या फिर थोड़ी सी मूंगफली और चीनी डाल के इसकी बर्फी बना लीजिए। मैं इसको ना ऐसे ही खाने वाली हूँ क्योंकि बहुत थोड़ा सा है इसलिए। और ये हमारा घी देखिए कितना क्लीन और कितना बढ़िया कलर आया है घी का, और घर का घी तो घर का होता है। एक कटोरी मलाई से ही बस मैंने इसको बनाया है, तो मैंने सोचा कि चलो ज़्यादा पुरानी हो जाती है मलाई, फिर उसमें से स्मेल आने लगती है, तो फिर मैंने बना दिया। तो ये जो मावा है ना, खाने में बहुत टेस्टी लगता है। इसमें थोड़ी सी चीनी ऐड कर लीजिएगा जिससे थोड़ा सा ये मीठा हो जाएगा। आप चाहे तो इसकी बर्फी भी बना सकते हो अगर ज़्यादा क्वांटिटी में है तो, बट मेरे पास थोड़ा सा है तो बस मैं ऐसे ही इसको खाऊंगी और बड़ा ही अच्छा लगता है। तो चलिए फटाफट से एक वीडियो देख लीजिए, फिर मिलती हूँ आपसे मैं। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। तो आज मैं आपके साथ फिर से शेयर करने वाली हूँ अमेजोन ब्यूटी शॉपिंग हॉल। जी हाँ, मैंने कुछ शॉपिंग की हुई है तो सोचा कि आपके साथ शेयर कर देती हूँ। ये देखो, ये मैंने सब मंगाया है। तो क्या क्या है इसमें वो सब मैं आपको एक एक करके बताऊँगी। तो सारे प्रोडक्ट्स का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप वहाँ पे जाके जो भी चीज़ें आपको पसंद आती हैं, बहुत ही अफोर्डेबल हैं, ब्रांडेड हैं और मुझे बहुत पसंद आई, क्योंकि मुझसे बहुत सारे कमेंट किए जाते हैं कि दीदी आप कौन सा क्रीम लगाते हो, क्योंकि अब समर्स स्टार्ट हो गए हैं। तो ऑब्वियसली मैंने अपने लिए थोड़ी बहुत शॉपिंग की है, तो आप सभी को पसंद आएगी। और अगर आपको इनमें से कुछ भी पसंद आता है तो आप बाय कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। फिर से बता रही हूँ तो चेक ज़रूर कीजिएगा। अच्छा, बताने से पहले वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर देना, ठीक है, शेयर करना ज़्यादा से ज़्यादा, और सब्सक्राइब कर लेना इंडियन यूट्यूबर शुरांजलि को, फॉलो करना मुझे फेसबुक पेज पर, इंस्टाग्राम पर। तो चलिए अब मैं आपको दिखाती हूँ सबसे पहले मैंने, अच्छा मैं आपको बता दूं सभी प्रोडक्ट्स के जो भी कुछ प्राइस होंगे वो मैं स्क्रीन पे मेंशन कर दूंगी, तो आप लोग देख लेना, ठीक है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप वहाँ पे जाके देख लीजिएगा। तो सबसे पहले मैंने ये मंगवाया है अपने लिए मॉइस्चराइजिंग क्रीम। तो डीप मॉइस्चराइजिंग क्रीम है ये, लोटस हर्बल की वाइट ग्लो और स्किन वाइटिंग एंड ब्राइटिंग डीप मॉइस्चराइजिंग क्रीम। और इसकी खुशबू की बात करें ना यार, इतनी अच्छी इसकी खुशबू है। मैं इसको यूज़ कर चुकी हूँ, ये काफ़ी टाइम पहले मुझे मिल गई थी। मैंने आपको बताया था ना बीच बीच में ब्लॉग में कि ये पार्सल आए हुए हैं, और अभी एक दो महीने मेकअप भी शूट किए हुए हैं तो उसमें ही मैंने इसको यूज़ किया है। और इसकी क्रीम इस तरह की छोटी सी क्यूट सी बॉटल आपको मिलती है, बहुत प्यारी है यार, बहुत प्यारी। और ये पूरी फुल भरी हुई है, आप देख सकते हैं पूरी फुल भरी हुई है, बहुत अच्छा इसमें वो है, खुशबू बहुत अच्छी है इसकी। तो मैंने इसको मंगाया है और ये मैं आपको स्क्रीन पे मेंशन कर दूंगी, ठीक है, इसका प्राइस वगैरह। तो बहुत ही अच्छा ये क्रीम है, आप इसको बाय कर सकते हैं, 40 ग्राम की है ये। तो क्यूट सी छोटी सी, कितनी प्यारी लग रही है ना, इसको आप कहीं कैरी करके भी लेके जा सकते हो, है ना। तो ये हो गई। इसके बाद नेक्स्ट मैंने मंगवाया है, मुझे एक बहुत अच्छे फाउंडेशन की ज़रूरत थी तो मैंने सोचा कि क्यों ना फाउंडेशन मंगा लिया जाए। तो मैंने ये मंगवाया है लॉरियल पेरिस का ट्रू मैच फाउंडेशन है ये, और प्राइस आपको स्क्रीन पे मिल जाएगा। तो बहुत लाइट वेट है, मैंने इसको मतलब 5-6 बार यूज़ कर लिया है, तो बहुत लाइट वेट है। इसको लगाने के बाद आपको ऐसा फील नहीं होगा कि मतलब आपने क्या लगा लिया है, जल्दी से निकालो इसको, बहुत लाइट मतलब फाउंडेशन है और अच्छा है। और ये मेरा सेड है, मैं आपको बताती हूँ, 3D 3W, ठीक है। तो ये आप, अगर आप ये वाला सेट लेना चाहते हैं तो ये वाला सेट ले सकते हैं और अपने अकॉर्डिंग लीजिएगा, और या फिर आपको वहाँ पे बहुत सारे सेट मिल जाएंगे तो इसका लिंक उस पर आप क्लिक ज़रूर कीजिएगा, तो आपको वहाँ पे पहुँच जाएंगे और बहुत सारे सेट आपको इसके मिल जाएंगे, ठीक है। उसके बाद मुझे एक चीज़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, तो आपने देखा होगा कि मैं अपने फिंगर से मेकअप करती हूँ ज़्यादातर ना, तो मुझे ना कुछ ब्रश चाहिए थे मेकअप के, जो कि मैंने ये मंगवाया है। ये पूना स्टोर है कोई ब्रांड,
इसमें 12 पीसेस हैं मेकअप ब्रश के, पूरा सेट है। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि एक पूरा मुझे ये बॉक्स मिला हुआ है ना, इसके अंदर सारे ब्रश है तो काफ़ी सेफ रहेंगे, इधर उधर खोएंगे नहीं। मेकअप करने के बाद आप सारे ब्रश इसमें रख सकते हैं, तो ये मुझे चीज़ अच्छी लगी थी स्पेशली मैंने इसको देख करके। और प्लस रिव्यू ज़रूर चेक किया करो आप कोई भी अपना प्रोडक्ट लेने वाले हैं तो, मैं सभी के रिव्यू चेक करने के बाद ही लेती हूँ। तो ये देखिए ये कुछ इस तरीके का है और इसमें पूरे 12 ब्रश मुझे मिले हुए हैं। ये देखिए सारे ब्रशेस आ गए अब मेरे पास में, जैसे कि आई शैडो के लिए, हाइलाइटर के लिए, ब्लश के लिए, फाउंडेशन के लिए, बहुत सारे होते हैं जो कि ये सारे हैं मेरे पास में। तो बड़े वाले ये 3-4 ब्रश, ये बड़े वाले नहीं, 3 ब्रश ये बड़े वाले हैं, बाकी के ये सारे छोटे हैं, बारीक पतले मोटे, मतलब सारे ब्रशेस हैं इसमें। और ये आप पता है मुझे लगा कि ये क्या है, फिर मैंने इसको देखा इसके अंदर भी ब्रश है बहुत, ये देखो बहुत बारीक वाला मतलब पतला वाला जो ब्रश है ना वो है ये। तो अब मेरा मेकअप जो है ना ब्रश से होने वाला है, तो अब मैं ब्रश से अपना मेकअप क्या करूँगी। और ये ऐसे पैक हो जाता है ना, तो मुझे सबसे अच्छी चीज़ लगी और काफ़ी सॉफ्ट है ये, मैंने सब निकाल के देख लिया है, काफ़ी सॉफ्ट हैं और बहुत अच्छे हैं, हैंडी हैं, मतलब आप इस तरह से ये देख सकते हैं, आप बहुत अच्छा फील हो रहा है। तो एक्साइटेड हुई यार इनको यूज़ करने के लिए, कैसे करूँगी वो तो सब मैं आपको आगे बताऊँगी ही। तो क्यूट क्यूट से छोटे छोटे से ब्रशेस हैं ये, पूरे 12 ब्रश हैं ये, ठीक है गाइस, और काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस में हैं और इनके रिव्यू वगैरह भी बहुत अच्छे थे, तो मैंने ये लिए हुए हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ठीक है। तो मैं बहुत ज़्यादा महंगा सामान नहीं लिया है, लेकिन काफ़ी अच्छा है, बजट में शॉपिंग करते हैं भाई। उसके बाद मेकअप को फिक्स करने के लिए, क्योंकि अब गर्मी आ रही है, मुझे इतनी ज़्यादा स्वेटिंग होती है, इतनी ज़्यादा स्वेटिंग होती है, जैसे ही गर्मी आएंगी ना तो मेरा मेकअप करने का मन नहीं करता है, तो कभी तो करना पड़ता है, जैसे हम पार्टी में जा रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, कहीं डिनर पे जा रहे हैं तो करना ही पड़ता है। तो मुझे मेकअप फिक्सर चाहिए था जिससे वाटर प्रूफ है ये, तो ये मैंने लिया है, स्विस ब्यूटी का है ये मेकअप फिक्सर, नेचुरल है, एलोवेरा विथ विटामिन ई, ठीक है। तो ये बहुत ही ज़्यादा बजट में है और इसके रिव्यू बहुत अच्छे थे गाइज, बहुत अच्छे थे। इसका भी मैं प्राइस जो है आपको प्रोवाइड कर दूंगी, तो आप देख लीजिएगा। तो ये मेकअप फिक्सर है, आपको दिखाती हूँ अंदर से कैसा है ये। ये पूरा मेकअप आप कर लेते हैं ना, उसके बाद आप मेकअप को फिक्स करते हैं, जैसे वो लॉन्ग टाइम तक आपके फेस पर रहता है, ऐसे करना होता है आपको, ठीक है। खुशबू भी बहुत अच्छी है, बहुत फ्रेश फील कराएगी आपको। तो ये मैंने मंगाया है। इसके बाद हम बात करते हैं ये फेक आईलैशेस। मुझे बहुत शौक लगा कि यार मैं भी ना ये, मैंने देखो बहुत कम लगाई है, कम क्या, मैंने अपने हाथ से लगाई ही नहीं है। तो पहले भी मैं एक बार लेके आई थी लोकल मार्केट से, बट वो अच्छा नहीं था, ये बहुत अच्छी वाली हैं। और इसके साथ में हमें एक ग्लू भी मिला है, पता है जो मैं लोकल मार्केट से लाई थी ना, उसका ग्लू ही नहीं था उसके अंदर, बस खाली ट्यूब था, और ट्यूब वाले से अच्छे से नहीं लगता है ये ना, लाइनर की तरह आपको मिलता है इसके अंदर ग्लू। इसको आप आई लेसेस पे इस तरह से वो कीजिए और उसके बाद थोड़ा सा ड्राई करने के बाद वो लगाई जाती है। सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें ग्लू इस तरीके से मिला हुआ है जो कि लगाने में बहुत इजीली होगा। ट्यूब से जो हम निकालते हैं ना, उससे क्या है कभी ज़्यादा प्रोडक्ट निकल आता है, कभी कम निकलता है, कभी निकलता भी नहीं है। तो ये बहुत अच्छा लगा मुझे। इसमें ये 3 पेयर मुझे मिले हुए हैं, फेक आई लेसेस हैं और बहुत अच्छी, अभी देखने में तो अच्छी लगी, बट मैं अभी आपको लगा के नहीं बता सकती हूँ, पहले तो मैं एक दो बार ट्राई करूँगी ना लगा करके, फिर आपको बताऊँगी, ठीक है। तो अभी मैंने शौक में ये फेक आई लेसेस अपने लिए मंगवाई है, पहली बार मंगवाई है ये, देखते हैं कैसे लगेगी। उसके बाद लास्ट रह जाता है मेरा ये वाला डब्बा में कुछ नहीं है। मैंने मंगवाई है अपने लिए आईब्रो पेंसिल, ठीक है। तो मैंने ये आईब्रो पेंसिल मंगवाई, जिसमें मुझे 4 पेंसिल मिली हुई हैं, ये वाली मैं यूज़ कर रही हूँ, आप देख सकते हैं कितनी ये कम हो गई है, ठीक है। और ये पूरी अच्छे से पैक होके मिली थी और इसमें ये ब्रश भी दिया हुआ है, जिससे आप अपने कॉम कर सकते हैं आईब्रो को, उसके बाद फिल कर सकते हैं। तो ये डार्क ब्राउन कलर की आईब्रो पेंसिल है, ये पूरी ना इस तरीके से पैक होके मिली थी मुझे ऐसे। तो और ये भी अभी पैक है, आप देख सकते हैं ये अभी ओपन नहीं है, मैंने किया भी नहीं है,
क्योंकि पहले ये वाली खत्म हो जाएगी फिर इनको करूँगी। तो ये चार मिली हुई हैं मुझे, चार का पैक था इसलिए चार मिली हैं, ठीक है गाइस। तो और मैं आपको अमेजोन की एक खास बात बताऊँ, बहुत ही नाइसली ये पैक होके मुझे मिलता है सामान। ये देखो ये पेंसिल, पेंसिल में से टूटने ऐसा कुछ नहीं था, फिर भी पेंसिल मुझे इस तरह से रैप होके मिली थी और ऊपर से डब्बा था। तो सारी ही चीज़ें मैं ये डब्बे वगैरह ना निकाल देती हूँ क्योंकि यार ढेर सारे हो जाते हैं ना फिर, इसलिए तो मैंने निकाल दिए थे। और ये भी आप देख सकते हैं ब्रश का सेट, बहुत अच्छा लगा मुझे। सारी चीज़ें मैं इसमें रख देती हूँ फिलहाल। और इस वीडियो से पहले मैंने एक मेकअप शेयर किया है जो कि मैंने पहले भी शॉपिंग की थी मेकअप ने ब्यूटी प्रोडक्ट्स की, तो उनको मिला के और इनको मिला के मैंने मेकअप किया हुआ है। तो आप देख सकते हैं स्टेप बाय स्टेप सब कुछ मैंने दिखाया था। तो ये हो गया मेरा, ठीक है, इतना सामान मैंने ये मंगवाया है। उसके बाद एक यूजफुल चीज़ जो कि मेरे पास अभी है ही नहीं, बैंगल बॉक्स, जो कि होना चाहिए ना। आप सब लोग बोलते हैं दीदी कलेक्शन दिखाने के लिए, तो यार मैंने ना ऐसे ही डब्बों में रख रखे हैं कुछ, तो और कुछ मेरे वो पुरानी वाली जो कवर्ड है ना मेरा, उसमें मैंने हैंगर दिए हुए थे तो वहाँ पे मैंने हैंग की हुई है बैंगल्स को। तो मेरे को ना इस तरीके का बैंगल बॉक्स चाहिए था जो कि बहुत अच्छे से पैक होके मुझे मिला है। ये देखो ये इसके अंदर आया है और ये फिर पॉलिथीन में रखा था। तो ये देखिए ये वेलवेट का है बैंगल बॉक्स, ऊपर से वेलवेट है अंदर से वुडन है। तो ये देखिए और कलर कितना प्यारा है ना, मतलब जिनकी न्यू न्यू शादी हो रही है या फिर होने वाली है वो लोग इसको बाय कर सकते हैं। अच्छा है लिदाने के लिए अपने ससुराल मैंने तो अपने घर के लिए मंगाया है। और इसमें देखो ये इस तरह से ये बहुत ईजीली लग जाते हैं, ये देखो लग गए ना, ये खुल गया, ये लग गया। और ये है ये पकड़ने के लिए भी यहाँ पे इस तरह से ये दिया हुआ है आपको, ठीक है। अब मैं आपको इसके अंदर दिखाती हूँ। तो बहुत अच्छा लगा मुझे ये, और बहुत बजट में है और काफ़ी बड़ा है। तो ये देखिए अरे फिर से लग गया, ये खुल गया, ये देखो ये है। तो 6 रोलर इसके अंदर हैं, काफ़ी अच्छा स्पेस है, आप इसके अंदर बैंगल्स हैंग कर सकते हैं। मैंने हैंग करके भी देखे हैं, हैंग करने के बाद भी नीचे काफ़ी गैप रह जाता है जिसमें आप अक्सर थोड़ा थोड़ा सामान नहीं होता है ऐसे कुछ भी पिन वगैरह सेफ्टी पिन वगैरह या कुछ भी आप इसमें डाल सकते हो और इजीली इनको निकाल सकते हो। ये देखो ये निकल गए, ठीक है, तो इस तरह से निकाल भी सकते हो, काफ़ी स्पेस है अंदर। चूड़ियाँ अच्छे से हैंग कर दीजिए इनके ऊपर और इनको इस तरीके से ये देखिए ये लगा दीजिए। तो गाइस अमेजोन से आप टेंशन फ्री होके शॉपिंग कर सकती हो, ट्रस्टेड स्टोर है, सभी लोग जानते हैं अमेजोन से, बहुत लोगों ने शॉपिंग की भी होगी तो आप विश्वास करके शॉपिंग कर सकते हैं, सारी चीज़ें अच्छे से मिल जाती हैं इसमें। अब मैं जब भी अपनी बैंगल्स हैंग करूंगी या इसको सेट करूंगी तो आपके साथ शेयर जरूर करूंगी ब्लॉग में। और इसका कलर वलर बहुत अच्छा लगा, वुडन का है, काफ़ी अच्छा है, आप इसे बाय कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा महंगा भी नहीं है और इसको आप बाहर भी लेके जा सकते हैं। तो ये थी मेरी शॉपिंग जो कि बहुत एक्साइटेड थी मैं आप सभी को दिखाने के लिए। एक एक करके सामान जब मिल रहा था ना तो मुझे लग रहा था कि मैं आपको कब दिखा दूँ, लेकिन सारा सामान मिल जाएगा फिर तो मैं आपको दिखाऊंगी ना। तो बस ये सारी शॉपिंग मेरी हो गई है, मैंने बहुत सारे प्रोडक्ट अपने लिए मंगवा लिए हैं, तो सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जो पहले शेयर किया था ना उसका लिंक भी मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो चेक जरूर कर लेना, ठीक है गाइस। चलिए फिर, सारी चीज़ें पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कर देना सबके लिए, शेयर करना, सब्सक्राइब कर लेना मेरे चैनल को, और चलिए मिलते हैं फिर। हेलो गाइस, तो बहुत टाइम के बाद अभी मैं आपसे बात कर रही हूँ, गर्मी लग रही है बहुत तेज, तो हालत ख़राब हो गई है। आज संडे है तो हैप्पी संडे टू ऑल ऑफ यू। वो मेरा स्लग पड़ा हुआ है, वो देखो अभी ऊपर से मैंने स्लग भी पहना हुआ था। तो अभी मैं लाइव गई थी, सबसे पहले 2 बजे मैं लाइव गई, उसके बाद फिर एक वीडियो शूट किया, फिर एक वीडियो शूट किया, 2 वीडियो शूट कर लिए हैं और बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। मतलब वीडियो शूट करने में चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, ब्लॉग तो फिर भी बनता रहता है, लेकिन जो प्रॉपर वीडियो शूट करने होते हैं ना, मेरा चार्जर लगा है, बंद कर देती हूँ। मैंने गेट ही बंद कर दिया। तो मैं क्या बोल रही थी, हाँ मैंने ना ये वाला ड्रेस पहना है आज, और नेवी ब्लू कलर का है, येलो कलर का स्लग है इसके ऊपर से, मेरा चार्जर लगा है पीछे। तो हो गए हैं वीडियो शूट,
और आज मैंने आलू बड़ी बनाई थी, सुबह बड़ी की सब्जी बनाई थी तो वही खाया था खाना, अभी वही रखी हुई है। तो शाम को मैं कुछ बनाऊंगी नहीं, आज संडे है लेकिन मैं कुछ नहीं बना रही हूँ। और अच्छा लगा यार आज लाइव जाके, बहुत लोग जुड़े थे मुझसे, बहुत लोगों ने बातें की थी। और मैंने अपना डिसाइड कर लिया है कि मैं हर संडे लाइव आया करूँगी, टाइम मेरा वही रहेगा 2 बजे का। और आजकल वीडियो भी मैं मतलब व्लॉग आपके साथ मॉर्निंग में शेयर कर रही हूँ, 10 बजे तक मेरा व्लॉग आ जाता है तो आप लोग देख लिया करो। और क्योंकि ना शाम को मैं शेयर करती हूँ ना तो बहुत लोगों की शिकायतें रहती हैं, इसलिए मैंने ना मॉर्निंग में शेयर करना शुरू कर दिया है। और देखते हैं कि कब तक ये चलता है, मॉर्निंग में शेयर करने वाला, ज़्यादा दिन तक नहीं चल पाता इसलिए मैं पक्का नहीं बोल रही हूँ। तो अभी इस रग भी पहनी थी ना तो मुझे बहुत तेज़ गर्मी लग रही थी यार, बहुत तेज़, मतलब दिन में गर्मी लगती है और सुबह और शाम को ठंडा मौसम हो जाता है, मतलब ठंड सी लगने लगती है, तो ऐसा मौसम हो रहा है अभी। चलो मैंने सोचा कि आपसे बात कर लूँ, आज इंस्टा पे जाने का मन नहीं था, आज मैंने कोई रील्स नहीं बनाई, पता नहीं क्यों मन नहीं कर रहा था, सिर दुखने लग गया है। बस चाय या कॉफ़ी कुछ मिल जाए, मिल जाए क्या यार भाई, हम ही बनाएंगे और कौन बनाएगा। तो अभी वो सारी जो चीज़ें हैं, जो ब्यूटी प्रोडक्ट्स मैंने मंगाए थे ना, वही सब मैं अभी दिखा रही थी, बस वो दिखाएं, वो अभी ऐसे ही डले हुए हैं, उनको भी रखना है मुझे, अच्छे से सेट करके रखना है, वो भी रख देती हूँ। पूरा बेड ना मैसी है, अभी बेड लगाना है मुझे अच्छे से अपना। चलो काम करते हैं, कर लेते हैं, फिर उसके बाद कपड़े अपने चेंज कर लेती हूँ। तो बस यहाँ पे बहुत सारा सामान फैला हुआ है तो ये सारा सामान मैं एक जैसा लगा के रखूँगी, क्योंकि वीडियो तो बना लेते हैं फिर साथ ही साथ ये सारा सामान लगाने का मन करता नहीं है, थोड़ा सा लगता है कि पहले रेस्ट कर लो, कुछ काम कर लो, कुछ खा लो पी लो फिर करेंगे। तो थोड़ी थोड़ी भूख लगने लगी थी मुझे, लंच किए हुए काफ़ी टाइम हो गया है तो बिस्किट भी खा रही हूँ, साथ ही साथ ये सारा सामान उठा के मैं रख रही हूँ। पूरा बेड फैला हुआ था, पूरे बेड पर फैला था ये सारा सामान अभी, तो बस इसको मैं रख देती हूँ। और अभी कपड़े वगैरह भी अपने चेंज करूँगी, फिर जाके चाय कॉफ़ी वगैरह कुछ देखूँगी क्या बनाऊँ क्या पीऊँ। तो बहुत ज़्यादा सर में दर्द हो रहा था इस टाइम पे, क्योंकि बहुत सारी प्लानिंग एंड बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं तब जा। और गाइस सारी चीज़ें बहुत अच्छी हैं, आपकी जो भी कुछ यूज़ का है वो आप बाय कर सकते हैं। तब तक मैं सबको विश कर देती हूँ। सबसे पहले हैं चंचल ठाकुर जी की एनिवर्सरी है 10 मार्च को, तो हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी, बहुत सारे नाम है जल्दी जल्दी लूँगी। राधे श्याम पुरोहित जी की, इनकी मम्मी हैं, इनका बर्थडे है 5 मार्च को, तो हैप्पी बर्थडे टू यू आंटी जी। एंड नेक्स्ट है रेखा गुप्ता जी की एनिवर्सरी है 8 मार्च को, हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी। पूजा ढेरिया जी के हस्बैंड जी का बर्थडे है 9 मार्च को, हैप्पी बर्थडे टू यू भैया। काजल शर्मा जी का बर्थडे है 5 मार्च को, हैप्पी बर्थडे टू यू डियर। आशा रानी जी की बेटी का बर्थडे है 17 मार्च को और उनका नाम है सांची, तो हैप्पी बर्थडे टू यू बेटा, गॉड ब्लेस यू, तुम खुश रहो हमेशा, ढेर सारी खुशियाँ तुमको मिले, अपने मम्मी पापा का नाम रोशन करना। और वो वायदा भी मुझे मासी बोलती हैं, तो मासी तुमको ढेर सारी शुभकामनाएं दे रही हैं, बस मैं दूर हूँ थोड़ा सा तुमसे लेकिन दिल के बहुत करीब हूँ। ठीक है बेटा, ध्यान रखना अपना। नेक्स्ट है नरेंद्र पाल जी की एनिवर्सरी है 16 मार्च को, हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी। सालू कौशी जी का बर्थडे 17 मार्च को, तो हैप्पी बर्थडे। नेक्स्ट है शबनम पांडे जी का बर्थडे है 8 मार्च को, तो हैप्पी बर्थडे टू यू डियर। नेक्स्ट स्वीटी सिंह जी का बर्थडे 7 मार्च को, हैप्पी बर्थडे टू यू डियर। स्वीटी नाम जो है वो मेरे दिल के थोड़ा सा करीब है, थोड़ा करीब है। तो अदिति हंस जी हैं, इनका बर्थडे है 26 मार्च को, तो हैप्पी बर्थडे टू यू बेटा, गॉड ब्लेस यू, क्योंकि ये एक छोटी सी बेटी है। सुमन बिष्ट जी का बर्थडे 10 मार्च को, हैप्पी बर्थडे टू यू। नेक्स्ट है मधु सेन जी का बर्थडे 11 मार्च को, हैप्पी बर्थडे टू यू डियर। नेक्स्ट है रितिश श्रीवास्तव जी, इनका बर्थडे या नाम मैंने लिखा हुआ है आई डोंट नो, तो मैंने सबको विश कर दिया है। तो थैंक यू सो मच आप लोगों ने मुझे कमेंट किए और मैंने आप सभी को विश कर दिया है बहुत दिन के बाद, इतने सारे बहुत बड़ी लिस्ट बन गई थी। तो चलिए अभी मैं अपनी चाय एंजॉय कर,
गाइस, गुड मॉर्निंग, हैप्पी वुमेन्स डे। तो आज तो हमारा ही दिन है यार। तो सुबह सुबह आज मैंने बनाया है सूजी का हलवा। भगवान जी को भोग लगाया सबसे पहले, उसके बाद ये है मेरे लिए। तो मीठा, मुंह मीठा करना तो बनता है ना। आज स्पेशली हमारा दिन है तो आज हम अपने पसंद का ही बनाएंगे। वैसे मैं अकेली हूँ तो अपनी पसंद का बना रही हूँ। और आज वुमेन्स डे है तो मैं इस तरीके की बातें करना तो नहीं चाहती हूँ, लेकिन कुछ कमेंट ऐसे आए हैं, क्योंकि वो भी एक लेडीज़ है, मैं भी एक लेडीज़ हूँ, कि तुमको ससुराल में चाटने को नहीं मिलता है, तुम यहाँ पे अच्छा अच्छा बना के चाटती हो। तो जी हाँ, मैं यहाँ पे अच्छा अच्छा बना के चाटती हूँ, क्योंकि ससुराल में तो मुझे मिलता है नहीं। तो क्योंकि यार जवाब देना ना ज़रूरी हो जाता है, ठीक है। और मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी इंसान ऐसा नहीं होगा हमारे इंडिया में जिसको अच्छी अच्छी चीज़ें चाटना ना पसंद हो। चाटना मतलब मैं उन्हीं के शब्द बोल रही हूँ। अच्छी अच्छी चीज़ें खाना किसी को पसंद है या नहीं है मुझे बताओ? सबको पसंद है ना, सब चाहते हैं कि अच्छा अच्छा बनाए। और फिर मुझे तो बनाना आता है, कोई मार्केट से लेके खर्चा करके तो नहीं मैं बना के लेके आके खा रही हूँ, है ना। अपने हाथ से बना रही हूँ, अपना खा रही हूँ, मेरा घर है, मेरा खाना है, मैं खाऊं या कुछ भी करूं। तो उन्हीं की लैंग्वेज में मैं ये बात कर रही हूँ। अभी तो शाम को एक और चाटने वाली चीज़ बन रही है, तो वो इस वीडियो में नहीं दिखेगी आपको, वो दिखेगी आपको आने वाले वीडियो में। गेट बंद कर दूँ पहले, रुको। वो आपको दिखेगी आने वाले वीडियो में, ब्लॉग में, जिसमें मैं आपके साथ शेयर करूंगी या फिर अपने दूसरे वाले चैनल पे शेयर करूंगी चाटने वाली चीज़ क्या बना रही हूँ, ये है ना सोचने वाली बात। तो आज हमारा दिन है तो थोड़ा सा तैयार भी यार होंगे। अभी तो सुबह के सारे काम आप निपटा लिए हैं, कहीं घूमने नहीं जा सकते हैं। इन्होंने मुझे विश कर दिया है सुबह फ़ोन करके, और बहुत सारे व्हाट्सएप वगैरह मैंने भी सबको विश कर दिया। आप कम्युनिटी भी पोस्ट करती थी, तो मतलब चाहे छोटी खुशी हो या बड़ी खुशी हो, छोटा फेस्टिवल हो या बड़ा हो, मतलब एक खुशी सी होती है ना। जैसे हम वैलेंटाइन पे खुश होते हैं, तो ऑब्वियसली आज हमारा दिन है तो भी हम खुश होंगे। तो मैं तो बहुत खुश हूँ और आप लोग भी होंगे खुश। और इस दिन को अच्छे से इंजॉय करना, सब कुछ अपनी पसंद का बनाना, अपनी पसंद का पहनना, घूमना फिरना, ठीक है गाइस। तो अभी मैं इसको चाट लेती हूँ, खा लेती हूँ। सोचने वाली बात है ना, एक लेडीज़ के लिए ऐसा कैसे बोल सकती है बताओ। हद है। रेसिपी शेयर करती हूँ सिर्फ आप लोगों के लिए, अकेले में तो मुझे खाना बनाने का भी बहुत आलस है, मैं आपको बताती हूँ ब्लॉग में। लेकिन मैं रेसिपी इसलिए शेयर कर रही थी क्योंकि आगे पता नहीं मुझे टाइम मिला नहीं मिला। अभी तो होली की रेसिपी के लिए भी बहुत सारे ऐसे कमेंट आ रहे हैं। अब अगर मैंने वो रेसिपी अगर बना ली तो फिर लोग बाग यही बोलेंगे कि चाट रही है, कितना बनाती है, कितना खाती है और कितना शो ऑफ करती है। हद है, उन लोगों को नहीं सुधारा जा सकता। जवाब देना ज़रूरी हो गया था इसलिए मैं जवाब दे रही हूँ। इसके आगे वो क्या होगा मुझे नहीं पता, वो क्या सोचेंगे मुझे नहीं पता, आप लोग क्या सोचेंगे मुझे नहीं पता। तो यार आज के दिन के लिए तो एक लाइक कर देना, लेडीज़ हो तो लेडीज़ के लिए लाइक तो करो यार। तो उन लोगों को भी मुँह तोड़ जवाब देना चाहिए, ठीक है। अच्छा दिन था जवाब देने का, जिससे उनको भी समझ में आया कि तुम भी एक औरत हो, मैं भी एक औरत हूँ, ठीक है। मुझे चाटना पसंद है तो कहीं ना कहीं तुमको भी कहीं ना कहीं चाटना पसंद होगा ही होगा। बहुत अच्छा बना है, मैंने सूजी का हलवा बनाया था। मेन मकसद मुझे आपको शॉपिंग दिखाना था, जो कि मैंने दिखा दी है। व्लॉग पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना ज्यादा से ज्यादा, सब्सक्राइब कर लेना इंडी यूट्यूबर शोलांजलि को। मिलते हैं फिर नए ब्लॉग में। शाम को मैं एक अपना ब्लॉग स्टार्ट करूंगी जिसमें मैं तैयार होंगी बहुत अच्छे से, और कोशिश करूंगी यार, पक्का नहीं कह रही हूँ। और उसमें हम एक रेसिपी शेयर करेंगे, ठीक है। रेसिपी आपको मिलेगी बहुत सिंपल, बहुत टेस्टी। होली पे भी आप इसको बना सकते हैं, कभी स्नैक्स में भी बना सकते हैं, कभी कोई गेस्ट आ जाए तब भी बना सकते हैं। बहुत सिंपल है, बहुत टेस्टी है। चट वाली चटपटी रेसिपी हम बनाएंगे क्योंकि इवनिंग में, ठीक है। अभी मैं करती हूँ आप सभी को बाय बाय। फॉलो कर लेना इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पेज पे, ठीक है गाइस। बाय, लव यू टू ऑल। मैं हलवा इंजॉय कर रही हूँ, आप सब लोग भी खा लो, तो अच्छा बना है। चलो बाय।